हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड। इसे हम बिना यीस्ट के बना रहे हैं। इसमें हम यीस्ट नहीं डाल रहे, इसलिए इसका जो नीडिंग टाइम और प्रूफिंग टाइम है वो दोनों बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ब्रेड बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए हम एक बोल में लेंगे आधा कप दूध और उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून नींबू का रस। हमें सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर ही रखनी है। दूध और नींबू का रस इस समय दोनों रूम टेम्परेचर पर है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे 10 मिनटों के लिए। अब हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सीव कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3/4 टीस्पून नमक। डालने में आसानी रहे इसलिए आप 1/4 टीस्पून को 3 बार डाल लें। उसके बाद हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अनस्वीटेंड है। अब हम ये सभी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी, ये ग्रैनुलेटेड शुगर है। दो टेबलस्पून तेल, आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा दूध और नींबू के रस का मिक्सचर। आप देख सकते हैं कि ये कर्डल हो गया है। आप इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और सभी चीजों को एक साथ मिक्स करते जाएं। दूध और नींबू का मिक्सचर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और इसका एक डो बना लेंगे। हमें एग्जैक्ट 1/4 कप पानी लगा है। पानी जो है वो रूम टेम्परेचर पर है। आप हमारे डो की कंसिस्टेंसी देख ले और इस हिसाब से आप पानी का प्रोपोर्शन जो है वो एडजस्ट कर ले। इस ब्रेड का जो डो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा, ये थोड़ा सा स्टिकी रहेगा, लेकिन आप उसमें और आटा ना मिलाएं और इस डो को ओवर नीड भी ना करें। आटा हो जाए उसके बाद आप आटे पर थोड़ा सा तेल डाल लें और साथ ही में आप अपने हाथों को भी ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। अब आप आटे को लाइटली उठा लें और उसे एक लॉग का यानी कि एक रोल का शेप दे दें। जब आप आटे को शेप दे दें उसके बाद दोनों जो उसकी एजेस है यानी कि दोनों जो उसकी साइड्स है उसको आप अंदर की तरफ दबा लें। उसके बाद आप आटे को फ्लिप करके जो एजेस हमने सील की थी वहां पे आप लाइटली पिंच कर लें। और भी किसी जगह पे आपको क्रैक्स दिख रही है तो आप वहां पे पिंच कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारा डो रेडी है। हमने टिन जो है वो ग्रीस कर लिया है अच्छी तरीके से ऑयल के साथ। उसमें हम हमारा आटा रख रहे हैं। बेक करने से पहले हम हमारे आटे पर अच्छे से दूध से ब्रश कर लेंगे और क्योंकि हमारा टिन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और आटा जो उसकी क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए हम थोड़े से स्टील बॉल्स लगा रहे हैं ताकि आटा जो है वो स्प्रेड ना हो जाए और ब्रेड छोटा बने और वो राइस करे। इसे हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्रीज पर करीबन 30 मिनटों के लिए। 25 मिनट बाद आप इस पर तेल लगा लें और दोबारा से 5 मिनट बेक कीजिए।
ब्रेड बेक हो जाए उसके बाद आप उस पे बटर लगा लें और इसे कवर करके आप 15 मिनटों के लिए थोड़ा सा ठंडा होने दें। 15 मिनट बाद जब ब्रेड ठंडी हो जाए थोड़ी सी, तो आप इसे नाइफ से साइड से थोड़ा सा निकाल लें, यानी कि एक बार जो है वो चारों साइड्स पे आप नाइफ घुमा लें और उसके बाद ब्रेड को जो है आप एक वायर रैक पर इन्वर्ट कर लें, यानी कि निकाल लें। आप देख सकते हैं कि ब्रेड जो है वो बहुत अच्छे से बेक हुआ है। ये ब्रेड थोड़ा सा डेंस होगा, लेकिन फिर भी ये इतना ही सॉफ्ट और इतना ही स्पॉन्जी बना है। अब आप इस ब्रेड को ढककर ठंडा होने दें। इसे काटने से पहले आप 2 से 3 घंटों के लिए ठंडा होने दीजिए। हमारा ब्रेड अब ठंडा हो गया है और इसे अब हम स्लाइस कर लेंगे। तो ये बिना यीस्ट का ब्रेड बनकर रेडी है।